उपायुक्त जमीर लेंगरेकर यांचा ता सोशल ग्रुपच्या वतीने सत्कार। सोलापूर महानगरपालिकेचे कर्तव्यदक्ष उपायुक्त जमीर लेंगरेकर यांचं प्रमोशन झाल्यामुळे आज दिनांक 20 जून रोजी फॉरेस्ट परिसरात ता सोशल ग्रुपच्या वतीने उपायुक्त जमीर लेंगरेकर यांचा सत्कार करण्यात आला। कार्यालयात काम करत असताना सोलापुरात असलेले सामाजिक प्रश्न हाताळण्याची संधी मिळाली अशा शब्दात जमीर लेंगरेकर यांनी भावना व्यक्त केल्या। या प्रसंगी ता सोशल ग्रुपचे संस्थापकाध्यक्ष तौफिक शेख पहलवान, उपमहापौर आरिफ शेख, इरफान शेख, आसिफ राजे, अजित बनसोडे, झहीर शेख, शोएब शेख आदी मान्यवर उपस्थित होते। और हमें दुख की बात, अफसोस की बात यह है कि साहब हमारे शहर में आए लेकिन कम वक्त रहा साहब का, और साहब को बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ा मुझे मालूम है, क्योंकि महापालिका हद तक साहब ने जो काम किया, काम को अंजाम दिया, साहब ने कभी जातिवाद मुस्लिम समाज के ऊपर अधिकारी उनका भी काम नहीं करे हो। एक उनका जो क्या नेचर ऐसा था साहब का, सभी लोगों को मिल मिसड़ कर सबको देकर साहब ने काम किया है, लेकिन कुछ नगर सेवक ने साहब के ऊपर एलिगेशन किया, नगर सेवक का नाम नहीं लूंगा, और नगर सेवक का कहना यह था कि साहब ने जातिवाद करके मुस्लिम समाज के जो कर्मचारी है जो उन्हें ड्यूटी पर लगाया, प्रमोशन दिया, ऐसा कुछ नगर सेवक का कहना था। तो मैं साहब से मेरी मुलाकात थी, मैं साहब को बोला सब आप फिक्र मत करो, हम आपके साथ हैं, ऐसे एलिगेशन साहब बहुत अब होते रहेंगे, लेकिन साहब आपको जो काम है कम वक्त में, आप सोलापुर शहर में एक ऐसा साहब काम करें कि वो काम सबके दिलों में सर बस गया, और हमारी मोहब्बत भी सर थी, और आपने सर मेरे बहुत से काम किए, बाढ़ के हो, दवाखाने के मसले हो, कोविड का मसला रहने दे, किसी के बदली का मसला रहने दे, साहब ने कभी नाम रुकर नहीं बोले, ये हमारी मोहब्बत भी एक इंसान के नाते है, और एक अधिकारी का फर्ज आपने साहब अच्छी तरह निभाया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप साहब इंशाल्लाह हमारे सर यही दुआ रहेंगे कि मंत्रालय में साहब आपको प्रमोशन हुआ है, वहाँ पर भी साहब आपका काम अच्छा रहे, आपका नाम अच्छा रहे, क्योंकि हर इंसान में जो काम उनकी नीयत के ऊपर जो उनका फर्ज के ऊपर रहता है कि साहब का जो काम है एक इंसान के नाते हो या जो अपना फर्ज समझ के जो अच्छा इंसान काम करता है उसका नाम कहीं पर भी निकलता है, तो इंशाल्लाह साहब हमें यही दुआ रहेंगे कि आपको मंत्रालय में प्रमोशन मिला है, इंशाल्लाह हमारे से ये दुआ है कि आप सोलापुर शहर में जिस हमारे दो साथियों ने बताया आयुक्त बनकर कलेक्टर बनकर साहब आप आओ, हम आपका स्वागत करेंगे, और इंशाल्लाह साहब हमारे साथ मैं सब जान सब जरूर पड़ेंगे हमारे साथ चलता हूँ आपके साथ तो ये जो आठ महीने का पीरियड है बहुत अच्छा रहा, और सब बहुत आप मतलब सोलापुर से एकदम मन मिला हो गया, जैसा तुम्हारा स्वभाव है साहब काम करने की उन्हें मदद की, और साहब की जो भाषा या जो साहब का सामने वाला कितना भी दूसरे नाम देते हो, क्योंकि वो लोग जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं नगर सेवक 107 नगर सेवक 107 नगर सेवक को कैसा हैंडल करें, साहब का एक वो टेक्निक रहेंगे बहुत बड़ जुट रहेंगे उनका, तो एक अच्छा काम तुमने सोलापुर शहर में अंजाम दिए, हम हमारे पूरे सोलापुर वासियों की एक ही इच्छा रहेगी कि फिर से जब आए सोलापुर के आयुक्त तो बोलकर आए, सोलापुर के कलेक्टर बोलकर आए, और जिस तरह से आपने 8-9 महीने में काम करे, जो तुम्हारा अधिकारी का राष्ट्रीय का जो 3 साल का पीरियड रहता वो पीरियड कम होकर 9 महीने का आपको मतलब प्रमोशन मिला, ये खुशी है हमको, मगर आप जाने का भी दुख है, क्योंकि अभी भी सोलापुर को डेवलप की तरफ से ये तरफ है, जैसा साहब ने बताया था कल हमारी चर्चा में भी, और पिछले 3-2 दिन अधिकारी का नाम लिए, अधिकारी का नाम नहीं होगा सबको मालूम है, तो लोगों ने देखा इतना 15-20 साल के अंदर इतना सोलापुर में अच्छे होते इतने सीनियर या के लोकल अधिकारी थे, मगर खुद सोलापुर लोग विकास नहीं कर सके, सोलापुर महानगर पालिका आज की जो परिस्थिति है बहुत बेकार है, यानी कि बहुत नाजुक परिस्थिति है, उसके अंदर भी साहब ने अच्छा कंट्रोल करने की कोशिश की है, उसको फिर से लेवल 100% नहीं मगर 50% तो नहीं साहब, क्योंकि मैं आपको बधाई देता हूँ, और हमारे साथ सोलापुर की तरफ से और हमारे पूरे एरिया की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह ताला तुम्हारी सेहत अच्छी रखे, ताकि हमारे